हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली न्यू ईयर स्पेशल लुक, यानी कि बंगाली पोयला बोईशाक स्पेशल लुक। आप देख रहे हो कि मैं एक ट्रेडिशनल अटायर में हूँ, यानी कि साड़ी में हूँ। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, बने रहो मेरे साथ। स्किन को अच्छे से क्लीन करके रखा है मैंने, अभी फिलहाल फेस पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजर के साथ, क्योंकि समर सीजन चल रही है तो मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। यहाँ पर मेरे पास है सेंट आइव्स की जेल मॉइस्चराइजर। जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी। आफ्टर दैट आई अप्लाई सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन मैं स्किप नहीं करती हूँ कभी भी, और बहुत ही लाइट मेकअप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली सनस्क्रीन तो बनता है। सो यहाँ पर है मेरे पास मामा अर्थ की हाइड्रा जेल सनस्क्रीन। आफ्टर दैट आई यूज कंसीलर, क्योंकि फाउंडेशन आज हम यूज नहीं करेंगे। कंसीलर के लिए मेरे पास है के ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 140Y मीडियम। ठीक है, बस थोड़ा बहुत हम यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और कहीं पर भी आपकी स्पॉट्स हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको कंसीलर यूज करना है। ठीक है, नाउ जस्ट ब्लेंड विद अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। मैं यहाँ पर पीएससी का छोटू सा एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूं। आई बेस के हिसाब से भी हम सेम प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके फेस जो है वो बिल्कुल भी केकी नहीं बनेगी और लुक भी बहुत लाइट एंड मिनिमल रहेगी, एज वेल एज गॉर्जियस। नाउ आई जस्ट यूज अ कॉम्पैक्ट टू सेट माय बेस। यहाँ पर मैं यूज करी मैक का NC30 स्टूडियो फिक्स प्लस। फॉर आईब्राउज आई एम यूजिंग हेयर शुगर आईब्राउ पेंसिल इन दी शेड डार्क ब्राउन, यानी कि 01 जेरी ब्राउन इज द नेम, लेकिन शेड है डार्क ब्राउन। फॉर ब्लश, हाईलाइटर एंड कॉन्टोरिंग आई यूज अ सेम पैलेट, दिस इज बाय फॉरएवर 52 ग्लैम्बो पैलेट। बहुत ही अच्छी एक पैलेट है गाइज, बहुत ही मस्त शेड्स है, तो इसी में से मैं यूज करूंगी आज तीनों के तीनों प्रोडक्ट। सबसे पहले करेंगे हम थोड़ा सा ब्रॉन्जर। अभी बारी है ब्लश अप्लाई करने की। स्माइल एंड अप्लाई ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स। टिप ऑफ द नोज। थोड़ा बहुत हाइलाइटर यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। फॉर आई शेडो पैलेट आई एम यूजिंग अगेन द सेम पैलेट, डेली लाइफ फॉर एवर ग्लैम्बो पैलेट। यहाँ में से हम लोग ये ब्राउन शेड यूज करेंगे फॉर आई शेडो फॉर द क्रीज एरिया, एंड थोड़ा सा ब्राउ बोन को हाईलाइट करेंगे ये हाईलाइटिंग शेड के साथ।
हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं ब्राउ बोन एरिया में। अभी हम लोग काजल यूज करेंगे। इफ यू आर नॉट अ काजल पर्सन तो यू कैन स्किप इट, आप लाइनर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये लुक के साथ काजल बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो मैं फेसेस कनाडा का ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ। फिंगर टिप्स के साथ थोड़ा सा इसको स्मच करेंगे। That's it. मस्कारे के लिए मेरे पास है माई ग्लैम का मस्कारा। बहुत फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है मेरी, लेकिन रेगुलर यूजेज के लिए अच्छी है। आप चाहे तो फेक लैशेस भी वेयर कर सकते हो। लिपस्टिक के लिए आप रेड कलर यूज कर सकते हो और न्यूड भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इफ यू आर अ न्यूड लवर यू कैन गो फॉर न्यूड, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और अगर आपको थोड़ा सा ब्राइट वाइब्रेंट लुक चाहिए तो यू कैन गो फॉर रेड। आई एम बिट कंफ्यूज कि कौन सा वाला मैं अभी यूज करूँ। दिस इज द न्यूड कलर। मैं सोच रही हूँ वैसे न्यूड ही अप्लाई करने का, और मेरे पास सामने ये रेड कलर भी है। सो आई हैव डिसाइडेड टू अप्लाई द न्यूड कलर। तो यहाँ पर मेरे पास है मामा अर्थ का लिप सीरम इन द शेड कैरमल न्यूड। So yeah, that was for today. I hope you enjoyed this look, and this look was super duper easy for you and affordable for you. आप देख रहे हो मेरे जो मेकअप है बहुत ज्यादा ग्लोई लग रही है एंड बहुत ही नेचुरलिस्टिक है, राइट? क्योंकि आजकल ऐसा ही मेकअप का ट्रेंड है। आप बहुत ज्यादा केकी बेस बनाओगे तो यू विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल और अच्छा भी नहीं लगता, राइट? तो दैट्स इट। हैप्पी पोला बोशक टू एवरीबडी। बहुत अच्छे से मजे करो। See you soon guys on my next video. Till then, stay blessed. And yeah, please subscribe if you are new here. Share with your friends and family. Follow me on Instagram, Life with Jayashree. Bye-bye.